वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ कश्यप ट्यूटोरियल्स। हियर आई एम गोइंग टू एनालाइज फिजिक्स पेपर। लेकिन ये जो फिजिक्स पेपर मेरे पास है ये मुंबई रीजन का नहीं है। ये जो पेपर मैं अभी एनालाइज करने वाला है मुझे मेल के थ्रू आया है। सो मैं इसके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अपलोड होगा। अभी जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ वो बहुत सिंपल है और आप लोग अगर रेंज और फ्रिक्वेंसी के रेंज को पता रहता था आप लोग ये फटाक से कर सकते थे। नाउ एंड द क्वेश्चन इज Which part of the electromagnetic spectrum is used in radar and you have to give its frequency range and also give its frequency range। सो हमारे पास दो आंसर है, दोनों में से कोई भी लिखिए, आइदर आप फर्स्ट लिखिए या तो सेकंड लिखिए, दोनों आंसर करेक्ट है। सो वी हैव रेडियो वेव्स एंड द सेकंड वन माइक्रोवेव्स। सो दो आप अपने रेडियो वेव्स लिखा है तो भी चलेगा, माइक्रोवेव्स लिख रहे हो तो भी चलेगा, नो इशू। सो रेडियो वेव्स का जो आपका फ्रीक्वेंसी रेंज है विच इज इन हर्ट्ज 5 × 10⁻¹⁸ × 10⁻¹⁰ हर्ट्ज। वेयर एज फॉर माइक्रोवेव्स इट इज रेंज्ड फ्रॉम 1 × 10⁻¹२ टू 5 × 10⁻¹⁹ हर्ट्ज। सो दोनों में से आप कुछ भी एक लिखिए, दैट वुड बी राइट। नेक्स्ट इसी का और क्वेश्चन है, वी हैव और क्वेश्चन, आइदर यू कैन राइट दिस और द गिवन क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेकंड और द और वन, हाउ आर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड by accelerating charges। So तुम्हें पता होना चाहिए कि accelerated charge is responsible for producing electromagnetic waves। So हम लोग को देखना है कि किस तरीके से electromagnetic waves are produced with the help of accelerated charged particles। Now here, so an accelerated charged particle produces magnetic field in the surrounding region which gives rise to an electric field and magnetic field both are perpendicular to each other। Now if the charge particle which is that is you can also write here accelerated charge particle, if they are going to oscillate, then both electric field and magnetic field vary with time and in this form electromagnetic waves are produced। So this is question number 3। So another question मैं अभी read करता हूँ कि कहाँ से है, let me check now।
मुझे भी क्वेश्चन पता नहीं कि इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, बस मुझे क्वेश्चन पता है कि एक्चुअली क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर व्हेन अ करेंट आई डेवलप्स इन इट एंड हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन और गिविंग द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, यू शुड नो नो वॉट डू मीन बाय एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, या बेसिकली जब भी डेंसिटी आता है तो दिमाग में ही रखना कि जो इसके सामने वाला चीज है, जो भी पैरामीटर से उसको डिवाइड करो आप वॉल्यूम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल इधर एनर्जी है तो आपको डिवाइड करना है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सो तो फर्स्ट हम लोग को निकालना पड़ेगा एनर्जी, वी हैव टू फाइंड द एनर्जी। तो अभी एनर्जी क्या है हम लोग देखते हैं। एनर्जी फॉर एन इंडक्टर, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एंड विच काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, सिंपली वी हैव मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी, सो हम लोग काम करते पहले उसका डायग्राम बना लेते जो हमें पता चलेगा कि कितना यूजफुल है। कंसिडर एन इंडक्टर हैविंग लेंथ एल एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। लेंथ ए है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। एंड वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैं इसको लिखता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो हम लोग को ये सॉल्व करना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए। तो बेसिकली व्हाट इज एनर्जी, सो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम ना। तो जो भी एनर्जी स्टोर होगा डायरेक्टली पावर इनटू टाइम के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, तो धीरे धीरे स्टोर होगा थोड़ा 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 करके, और मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो विल गेट व्हाट, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। सो दिस एनर्जी विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम पी डी टी, पी इंटू डी टी। सो बट हमें पता है व्हाट इज एन पी, पावर पोटेंशियल दैट इज वोल्टेज इंटू करेंट, बट वोल्टेज इज गिवन बाय एल डी आई अपॉन डी टी। ये मैग्नीट्यूड की बात करो एक्चुअली होता है ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। सो वील राइट दिस इक्वेशन इन दिस पोजिशन। तो पी, पी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ई इंटू आई डी टी, ई इंटू आई डी टी हियर। देयरफॉर इंटीग्रेशन इन द प्लेस ऑफ ई आई एम गोइंग टू राइट एल di upon dt into i dt, dt dt goes off. So we have integration l di into i. So when the, अभी हमको पता चल गया कि जो जो भी इधर एनर्जी स्टोर होगा, जो भी करेंट जो फ्लो होगा, आइधर वो जीरो होगा या तो i होगा, दैट इज वॉट मैक्सिमम करेंट। So we'll take limit from 0 to I here. So it will be 0 to I L I D I. हमें पता है कि L is constant, that is what coefficient of self induction है, तो मैं इसको constant हम लोग बाहर लेते, तो 0 to I I D I. What is the integration of I with respect to D I? Simply L into I square upon 2 and आपका limit है 0 टू आई। सो हम लोग लिखेंगे विल पुट दिस लिमिट इन दिस इक्वेशन। सो एल इंटू आई स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन टू, द फाइनल इक्वेशन विल बी हाफ इंटू एल आई स्क्वायर। हम लोग देख सकते हैं, मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर के साथ, जो हमको फटाक से याद हो जाएगा कि यार व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो हमें याद आएगा कि हाँ हाफ एल आई स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी जैसा ही एनालॉग कर रहा है, समथिंग रिलेट कर रहा है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज गिवन बाय हाफ एल आई स्क्वायर। अब नाउ बेसिकली हमें पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी डेंसिटी। तो मैंने बताया था
एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. सो एनर्जी तो आपको पता चल गया, व्हाट इज हाफ एल आई स्क्वायर. एंड वॉल्यूम आपको पता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर हियर. द वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर इज, वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर इज ए इंटू एल. सो इन द प्लेस ऑफ वॉल्यूम आई एम गोइंग टू राइट ए इंटू एल. आपको पता होगा कि एल इज गिवन बाय म्यू एन स्क्वायर इंटू एल बाय ए, सॉरी ए बाय एल म्यू इंटू एन स्क्वायर ए बाय एल. विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर इन द प्लेस ऑफ एल. तो हमारा क्या होगा, हाफ इंटू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल अपॉन ए इंटू एल इंटू आई स्क्वायर. सो ए एंड ए गोज ऑफ एंड द इक्वेशन विल बी, एंड द इक्वेशन विल बी हाफ इंटू म्यू एन स्क्वायर, म्यू एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज हमें फाइनली आंसर, एक और हमें फाइनल आंसर मिलता है जो दूसरे टर्म में होता है, वो बी के फॉर्म में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है. सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर. सो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी इज डिफाइंड बाय, हमको पता है सोलोनॉइड के साथ जैसा आप लोग इसको ट्रीट करोगे तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलोनॉइड. हम लोग जैसा लिखते हैं दैट इज म्यू इंटू एन इंटू आई, तो हमें होता है म्यू इंटू एन इंटू आई. आई आपको पता है व्हाट इज एन, हियर एन इज द एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लेंथ, सॉरी पर यूनिट लेंथ. सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर. सो बी इज गिवन बाय mu into n by l into capital I. So what is I here? So I is defined by b l upon mu into n. So substitute this value in this equation. So half, it will be half into mu into n square upon l square into bracket b square into l square upon mu square into n square into n square n square n square and n square goes off, l square and l square goes off. We have mu and mu se mu square mein se ek mu chala jayega. So we have 1 upon 2 b square by mu, and this is our energy density. This is our energy density. सो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेस पे पूछा गया है. सो वेट अ मिनट, एक तो मेरा ही चलता नहीं है, एक मिनट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन नंबर इज 19. एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रूव दैट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विथ ऑर्बिटल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू ई वी बार ई वी आर अपॉन टू. एंड हेंस यूजिंग बोर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट. नाउ हियर, तो हम लोग को दो अलग अलग क्वेश्चन है एंड विच कैरीज अ 3 मार्क. सो हम लोग पहले देखते हैं कि वॉट विल बी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड म्यू. सो कंसिडर सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट है, तो हम लोग देखते consider this is nucleus and this is orbit और इसका radius and sorry for the good diagram and इसका radius r है and
Here we have electron which revolves around the nucleus with velocity v. When it revolves around the nucleus, current is generated, and this current is given by I is equals to q by t. So this is single electron, so I'm going to write in the place of q here e by t. But what is magnetic moment? Magnetic moment is given by current into area. So what is the area of this loop? That is I into pi r square. Here in the place of I, am going to write e upon t, that is e upon time, into pi r square. So we have to neglect this t. So time taken by the electrons to cover this distance is given by t is equals to 2 pi r upon v, where v is the velocity of an electron. So in the place of v, in the place of t, I'm going to write 2 pi r upon v into pi r square. Pi se pi cancel, r se r cancel, it will go here. So it will be ev r upon 2. This is the magnetic moment of single electrons which revolves around the nucleus. So second concept hai, second question kya tha ki using Bohr's postulate of quantization of angular momentum, deduce the expression for magnetic moment of a hydrogen atom in the ground state. So what is second postulate? Here second postulate is represented by angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. But angular momentum is given by mvr, which equals to nh by 2 pi. Here what is mu? Mu is given by evr upon 2. So we'll do one thing, we'll write vr nh by 2 pi m. Substitute this value in this equation. In the place of vr, I'm going to write nh by 2 pi m. So it will be e by 2 evr ke jab main likhunga nh by 2 pi m. So it will be n times eh upon 4 pi m. For ground state aap log likh lijiye. For ground state you can write, for ground state ke liye n ki value 1 hoti hai, to eh by 4 pi m. So this is our 19th question. Abhi next question mein dekhta hu kya hai, to main isko solve karta hu. Next question kya hai, let me check. Now we have a 10th question, and the 10th question, mujhe to abhi marks distribution nahi pata hai filhal abhi. So 10th question mein pucha hai, draw the ray diagram of an astronomical telescope showing image formation in the normal adjustment position. To aap log NCERT ke textbook mein dekh sakte ho, and write the expression for it magnifying power. Simply magnifying power. Magnifying power of telescope is given by minus F naught upon FE. Basically, you have to write this expression, nothing else. And second question, draw a label diagram, ray diagram to show image formation by compound microscope, and write the expression for its resolving power. OB basically, you can see NCERT textbook or NCERT reference book.
एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमिना. स्काई अपीयर्स ब्लू, द सन अपीयर्स रेडिश एट सनसेट एंड सनराइज. ये भी सब आप सॉल्व कर लीजिए एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के लिए से. ये तो नॉर्मल थे, दैट्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन से, इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड मैं ए वाले, इसके बाद मैं दूसरा तीन चार क्वेश्चंस और सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो अपलोड होगा शाम तक. सो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू एंड गुड नाइट एंड स्टे ब्लेस्ड.